उत्तर भारत के तमाम राज्यों में इस वक्त भीषण गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो चुका है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक से डरने लगे। राजधानी दिल्ली समेत विभिन्न क्षेत्रों में लू के थपेड़ों से लोगों की हालत खराब है। हालांकि अब जाकर मौसम विभाग ने दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी जारी की है। मौसम विभाग ने बता दिया है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश कब होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया है कि उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा सहित भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में शाम से बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी उम्मीद है। पंजाब और हरियाणा में लू की स्थिति कम होने की भी संभावना है। हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं, मगर हमारा ये जो रेड अलर्ट का जो वार्निंग है कल से हम थोड़ा घटाएंगे। मेनली एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है वेस्ट की तरफ, जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी जल्द ही राहत मिलने जा रही है। उनके बारिश का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया है कि बुधवार से दिल्ली में रेड अलर्ट के बदले ऑरेंज अलर्ट जारी हो जाएगा। सोमा सेन के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है, यानी कि अगले आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली वालों को बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक पश्चिमी यूपी में फिलहाल मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि यूपी के पूर्वी जिलों में लोगों को बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी यूपी में अलग अलग जगहों पर बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं बिहार के सीमांचल के जिलों में 20 जून से बारिश की संभावना जताई जा रही है। गौरतलब है कि आसमान से बरस रही आग और हीट वेव ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। सूरज की तपिश अपने चरम पर है, गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस भीषण गर्मी में जनता परेशान है। लोगों को केवल बारिश का इंतजार है। गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। हालात ये हैं कि मजबूरी में ही लोग बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टर्स तो इस बात की सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकलें, क्योंकि ये गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन।